कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे और हम सब पर अपना खास करम फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब और इसके बारे में मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये कौन से सीख कबाब है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन जो कि ब्रेस्ट का ही हो, और ये है इसमें कोकोनट पाउडर 1 टेबलस्पून, ये है पॉपी सीड्स ये भी 1 टेबलस्पून है, और ये है क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून, ये है कोरिएंडर पाउडर ये भी 1 फुल भर के टेबलस्पून, और ये है सॉल्ट अपने हिसाब से ही डालिएगा, और ये है फेनुग्रीक लीव्स 1 टेबलस्पून फुल भर के, और लास्ट में जाएगा ये है मीट टेंडराइजर ये 1 टीस्पून फुल भर के, ये इसमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और अब है ये कुछ गार्लिक क्लोव्स कुछ पराठेरा, और ये भी इसमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। साथ में ये है ग्रीन चिलीज, ये बिल्कुल ना होने के बराबर ही स्पाइसी है, तो इसके अंदर ये बहुत अच्छा सीख कबाब के अंदर ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएंगे, तो ये भी इतनी ही डालिएगा। मगर फिर से मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है बल्कि ना होने के बराबर है। और ये दो चिकन के क्यूब्स, और ये है एक लेमन जो कि ये भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और इसमें ये एक पूरा ही लेमन जाएगा। ये जो मैंने चिकन ली है इसके अंदर मैंने फैट भी डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और मैं अगर आपको बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो इसमें मैंने इतना फैट डाला है कि जितना एक चिकन के ब्रेस्ट पर सिर्फ ब्रेस्ट पर जो फैट होती है मैंने वो ही डाला है, ठीक है। जितनी ब्रेस्ट के ऊपर स्किन होती है सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट वाले पार्ट पर जितनी भी स्किन होती है मैंने उतना ही इसके अंदर फैट डाला है, ठीक है। इससे भी एक अलग ही फ्लेवर आएगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और अब ये जितनी सारी ही चीज़ें हैं ये सब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको बहुत ही नाइसली मैं ब्लेंड कर लूँगी, और बस और कुछ भी इसमें नहीं करना। और इसमें यह है कि प्याज बिल्कुल भी नहीं जाता, और ये जो सीख कबाब है ये काइंड ऑफ रेशमी कबाब टाइप होते हैं, मगर वो थोड़े से ही ज़्यादा नहीं डिफरेंट होते हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये है कि आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ही ट्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये कबाब होते हैं। आगे रमजान आ रहा है, ज़रूर ही इसे ट्राई करिएगा। अब मैं इसे बहुत अच्छे से टाइम देते हुए अपने हाथों की मदद से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और मैंने इसे काफ़ी ही टाइम दिया, आप लोग भी इसे काफ़ी टाइम दीजिएगा और इसको अपने हाथों की मदद से काफ़ी ही देर तक इसको मिक्स करते रहिएगा,
ठीक है उसके बाद अब मैंने इसे काफ़ी टाइम दे दिया था अब मैं इसे पैक करके तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँगी फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखना है तो बस ये है और इसके बाद फिर मैं जब 4 घंटे गुजर जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसको सीख कबाब की शक्ल दूँगी और अभी 4 से 5 घंटे गुजर गए थे अब मैं इसके सीख कबाब बनाऊँगी यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा रफली से सीख कबाब की शक्ल इसको दे रही थी क्योंकि मुझे जल्दी थी मुझे एक्चुअली बाहर जाना था किसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से तो बस अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी थी और जब मैं आऊँगी तो कुछ मैं बना लूँगी और कुछ मैं फ्रीज कर दूँगी तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको पैक करके और मैं इसे फिर से फ्रिज में रख कर जा रही हूँ मगर आप लोग क्या करिएगा बहुत अच्छे से शक्ल देकर सीख कबाब की तरह इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा अगर आप बाद में खाना चाहते हैं तो बस फिर हम बाहर आ गए थे जैसे ही मैं घर से उतरी तो बारिश शुरू हो गई और फिर हमने हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था जो हमारा काम था वो भी हो गया और हम काफ़ी ही इन्जॉय कर रहे थे तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए अभी मैं थोड़ा सा इसे शूट करूँ तो बस अब हम घर आ गए थे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर मटर पनीर पुलाव कह लें राइस कह लें कुछ भी ये भी मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे बनाती हूँ कभी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तो बस ये बना रही थी साथ में मैं तंदूरी मलाई बूटी बना रही थी वो भी चिकन की वो भी मैंने रमजान के लिए ही मैंने बनाए थे कुछ दिनों पहले मगर मेरे हबी को इतने ही ज़्यादा पसंद है कि वो डेली ही अभी से बस उन्होंने मांगना शुरू कर दिया है और साथ में यहाँ पर मैं सीख कबाब को शैलो फ्राई कर रही थी तो बस यहाँ पर अब सीख कबाब ही रेडी हो रहे हैं जो मेरा पुलाव था वो भी रेडी हो गया था और मेरे हबी बार बार आ रहे थे कि खाना बन गया कि नहीं क्योंकि उनको भी काफ़ी ही भूख लग रही थी तो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि कितने ही मज़े के ये राइस बने हैं इंशाअल्लाह ज़रूर ही शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ बस यहाँ पर बिल्कुल भी हमसे सब्र नहीं हो रहा था और बस खाना बिल्कुल ही बन गया था और यहाँ पर बस अब हम इंजॉय कर रहे थे बहुत मज़े के सीख कबाब बने थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे जैसे मुंह के अंदर जाते ही बिल्कुल खुल से जाते हैं बहुत अच्छे बनते हैं प्लीज़ इसको ज़रूर ही ट्राई करिएगा आप देखिएगा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर ही याद रखेगा मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा अल्लाह हाफ़िज़